हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। दिल्ली में मजदूरों के लिए अच्छी खबर, 60 साल की उम्र पूरी होते ही मिलेगी पेंशन। जी हां, दिल्ली में निर्माण कार्यों में काम करने वाले श्रमिकों को अपनी पेंशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इन मजदूरों को 60 की उम्र होते ही पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रमिक कल्याण बोर्ड को 60 साल की उम्र से 6 महीने पहले ही पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। केंद्र ने कोविड-19 टीकों के लिए 31 मार्च 2023 तक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का किया ऐलान। जी हां, केंद्र अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC ने 31 मार्च 2023 तक कोविड-19 टीकों के लिए कस्टम ड्यूटी से छूट देने की घोषणा की है। CBIC ने कहा कि केंद्र ने इस फैसले को जनहित में जरूरी बताया है। बकौल CBIC, केंद्र सरकार के इस फैसले से विदेश से आयातित कोविड-19 वैक्सीन की कीमतें कम होने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय दलों की बुलाई बैठक, रिमोट वोटिंग मशीन पर होगी चर्चा। जी हां, चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों और महासचिवों को एक बैठक के लिए बुलाया है। आयोजित होने वाली इस बैठक में रिमोट वोटिंग मशीन पर चर्चा की जाएगी। दरअसल रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए अपने घर से बाहर रहने वाले लोग भी अब अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट दे सकेंगे। कपिल सिब्बल का बड़ा आरोप, कहा न्यायपालिका पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है सरकार। जी हां, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह न्यायपालिका पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है, वे चाहते हैं कि उनके शब्द अंतिम हो। सिब्बल ने कहा कि अगर वे ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। नागौर में गरजेंगे सचिन पायलट, दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक होगा कार्यक्रम। जी हां, नागौर के परब तसर में सचिन पायलट अपनी पहली जनसभा करेंगे। यहां दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का कार्यक्रम होगा। पायलट अगले 5 दिनों तक जनसभा को संबोधित करेंगे। इन जनसभा को किसान सम्मेलन का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि 10 महीने बाद राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 9 करोड़ के बैंक फर्जीवाड़े में 16 कर्मचारियों पर मुकदमा, 7 की जमानत खारिज। जी हां, बुरहानपुर के नागरिक सहकारी बैंक नेपानगर में हुए 9 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में 16 कर्मचारियों को आरोपित बनाया गया है। सभी आरोपी फरार हैं। फरार आरोपियों में से 7 की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। साल 2016 में मोटी ब्याज के लालच में बैंक में जमा कराए गए करोड़ों की धांधली का ये मामला सामने आया है। बजट 2023 में इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर लगने वाले GST में हो सकती है कटौती। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को यूनियन बजट पेश करेंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि केंद्र सरकार आगामी बजट में लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर लगने वाले GST में कटौती कर सकती है। ऐसे में लोग टर्म और हेल्थ पॉलिसी खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।